हमने क्या कि सरकार बीजेपी की चाहिए हमें, हमें सरकार बीजेपी की चाहिए। एक मिनट सुनो, सरकार बीजेपी की चाहिए। आइए महिला से जानते हैं। मैम आप बताइए। मैं नो कह रही, जब महंगाई, जब पैसा बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ रही है, पैसा के हिसाब से महंगाई चल रही है। अब मिस्त्री 500 से नीचे ना आ रहा। 2024 में किसकी गवर्नमेंट? मायावती की सरकार चाहिए यूपी में। सर मैं 2024 में प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि क्योंकि विधानसभा के चुनाव में तो अभी सर बहुत लंबा समय है। अच्छा, सरकारी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी क्यों सर, ऐसा क्या कारण है? राहुल गांधी बढ़िया आदमी है। तो हम तो यही कहना है, मोदी सरकार होनी चाहिए, खूब अच्छा कर रहे हैं वो। जो कोई बुराई दे रहा है बुराई देते दो, हम तो नहीं दे रहे बुराई। 2024 में बीजेपी गवर्नमेंट आनी चाहिए, बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। किसकी सरकार बननी चाहिए? जो कोई सुविधा करे बाकी सरकार बने। ये कौन फैसला करेगा? को करे हो, मैं तो काकू वोट देने जाएंगे। मोदी सरकार चाहिए तो उसके फायदे क्या हैं, और ताकि जनता जागरूक हो। नहीं, मोदी सरकार के फायदे बहुत है। देखो लोगों का जो है वो, किसानों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है उससे, हर महीने उनके हर 3 महीने में पैसे आ रहे हैं। इसके अलावा जो है आपका वो चल रहा है शहर का, जो वो चल रहा है सब बन रहा है, शहर भी बढ़िया बन रहा है, और इसके साथ सड़कों का दोहरीकरण भी पूरा चल रहा है। तो अगर आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? बहुत सारी सवाल खड़े होते हैं। देखो ना, तो बेरोजगारी बढ़ रही ना महंगाई बढ़ रही, लेकिन आदमी की सोचने का नजरिया गलत है। यही चीज हो गया मैम 2024 में करती जा रही है सरकार, कछु ना कर रही कोई कमेरो ना है, और 15-15 हजार हाउ टैक्स दे रहे हैं, बिजली को जाने कहाँ देते हैं सरकार, क्षेत्र में तो खबा रही है, को का खबा रही है। ये जनता कहती है या विपक्ष कहता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक है, उसके साथ साथ आपका महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए। महंगाई तो सर कहीं भी नहीं है, महंगाई तो सब ऐसे ही है, वो तो महंगाई का कुछ वो नहीं है, महंगाई तो घटती बढ़ती रहती है। अभी टमाटर 200 रुपए 250 रुपए किलो हो गया, आज 20 रुपए किलो में कोई खरीदार नहीं है उसका, और जब 300 रुपए किलो था तो लोग हल्ला काट रहे थे। जी जी बताइए मैडम, मैडम किसकी गवर्नमेंट देखती हो 2024? कट्टर हिंदूवादी हूँ, बीजेपी ही आनी चाहिए। मैडम मैं धर्म से अलग हटके बात कर रहा हूँ, काम के अनुसार। धर्म में तो अधिकतर यहाँ जो भी खड़े हैं सब हिंदू ही हैं। हटा दो या काम को अलग हटा दो, लेकिन आनी बीजेपी ही चाहिए। क्या चाहते हैं 2024 में, फिर से मोदी सरकार या फिर विपक्ष? फिर से मोदी सरकार। सर क्या, कौन सी सरकार चाहते हैं 2024 में? बीजेपी, ओनली मोदी। अच्छा जी, जैसे लोग मोदी के जी के काम बता रहे हैं, उसी तरीके से आप उनके काम बताइए कि सेंट्रल में 2024 में किसकी गवर्नमेंट? कांग्रेस सरकार चाहिए हमें, तो और कोई सरकार ना चाहिए। काम तो मोदी सरकार कर रही है ना, अगर कांग्रेस करती तो मोदी सरकार यहाँ क्यों बैठती, क्यों बोलती? मोदी सरकार काम कर रही है, मोदी सरकार कर रही है। सब कारण बताइए, कुछ कुछ फायदे बताइए ऐसे। फायदे पब्लिक के लिए, निरे मकान दिए, निरे इनको लोन दिए अपनी पब्लिक के लिए, क्या रोजगार करने के लिए, ये मोदी सरकार ने तो दिया है। हाँ जी, राशन फ्री मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे, आज हम आए किशनपुर होली चौक पे फिर से, जानने जनता से कि 2024 में वो किसकी सरकार चाहती है, फिर से वो मोदी सरकार चाहती है या फिर विपक्ष या फिर चेंज चाहती है, जनता से जानते हैं कि वो किस राय देती है। जी सर बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए। संजय वर्मा। तो सर क्या चाहते हैं 2024 में, फिर से मोदी सरकार या फिर विपक्ष? फिर से मोदी सरकार। सर मोदी सरकार जहाँ भी देखो, जब हर इंसान मोदी सरकार बोल रहा है, लेकिन अभी तक कोई पूरी तरीके से फायदे नहीं बता रहा है कि अगर मोदी सरकार चाहिए तो क्यों चाहिए, ऐसे क्या फायदे हैं या ऐसा क्या कारण है जो फिर से विपक्ष नहीं चाहिए? विपक्ष इसलिए नहीं चाहिए कि विपक्ष अभी जो इजराइल से युद्ध चल रहा है उसके अंदर कांग्रेस खुल के जो है उसका फिलिस्तीन का संपर्क वो कर रही है, समर्थन कर रही है, जबकि उसे इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए था। इसके अलावा सर अगर मैं भारत की बात करूं तो मोदी सरकार, जैसे कि ये मैं नहीं, ये जनता कहती है या विपक्ष कहता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक है, उसके साथ साथ आपका महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए। महंगाई तो सर कहीं भी नहीं है, महंगाई तो सब ऐसे ही है, वो तो महंगाई का कुछ वो नहीं है, महंगाई तो घटती बढ़ती रहती है। अभी टमाटर 200 रुपए 250 रुपए किलो हो गया, आज 20 रुपए किलो में कोई खरीदार नहीं है उसका, और जब 300 रुपए किलो था तो लोग हल्ला काट रहे थे। तो महिलाओं की सर रसोई की बात करें तो गैस की बात, गैस सस्ती कर दी जैसे उनने। अब सर अभी तो 2024 में इलेक्शन आने वाला है, तो अभी इलेक्शन आने वाला है तो सस्ती होगी, लेकिन पूरी साल देखें, पूरी साल इसलिए सर कि हिंदुस्तान के ऊपर हर बच्चे बच्चे के ऊपर कर्जा था, वो कर्जा उसे उतारना था,
अगर वो कर्जा नहीं उतरता तो वैसे ही आदमी मर जाता। सर वही तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप प्रकाश डालिए कि किस मोदी सरकार चाहिए तो उसके फायदे क्या हैं, और ताकि जनता जागरूक हो। नहीं, मोदी सरकार के फायदे बहुत है, देखो लोगों का जो है वो किसानों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है उससे, हर महीने उनके हर 3 महीने में पैसे आ रहे हैं। इसके अलावा जो है आपका वो चल रहा है शहर का जो वो चल रहा है, सब बन रहा है, शहर भी बढ़िया बन रहा है, और इसके साथ सड़कों का दोहरीकरण भी पूरा चल रहा है। आइए जानते हैं और जनता से। सर आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रघुनंदन बघेल। जी सर, क्या कौन सी सरकार चाहते हैं 2024 में? बीजेपी, ओनली मोदी। अच्छा जी सर, कारण बताइए, कुछ कुछ फायदे बताइए ऐसे। फायदे पब्लिक के लिए, निरे मकान दिए, निरे इनको लोन दी अपनी पब्लिक के लिए, रोजगार करने के लिए, ये मोदी सरकार ने तो दिया है। हाँ जी। राशन फ्री मिल रहा है। हाँ बताते जाइए। राशन फ्री मिल रहा है, ये मोदी सरकार ही तो दे रही है हर चीज। निरी बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं, अभी पिछली बार इतने कनेक्शन बीजेपी ने फ्री दिए थे मोदी सरकार ने, इसका कोई जवाब नहीं है। अब भी 1 करोड़ के लगभग 1 लाख तकरीबन जो है अब भी कनेक्शन फ्री मिल रहे हैं, वो भी मोदी सरकार ही दे रहे हैं। आप क्या करते हैं सर जी? मैं सिलाई का काम करता हूँ। तो अगर आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? बहुत सारी सवाल खड़े होते हैं। देखो ना तो बेरोजगारी बढ़ रही ना महंगाई बढ़ रही, लेकिन आदमी की सोचने का नजरिया गलत है। मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि आदमी जो सोच रहा है वो बढ़ रहा है, लेकिन महंगाई कहाँ बढ़ रही है? बेरोजगारी नहीं बढ़ रही। पहले आज से 8 साल पहले चले जाए 200 रुपया मजदूरी, आज 500 रुपया मजदूरी का मुसर की महंगाई बढ़ रही है, बताओ सही? बिल्कुल बिल्कुल। सर अपना नाम बताइए। फतेह सिंह लोधी। सर आप बताइए 2024 में किसकी गवर्नमेंट? मोदी की। सर उसी तरीके से जिस तरह से सर बता रहे हैं वैसे ही कारण बताइए। कारण ये है कि उसने तमाम काम कराए हैं देश, जैसे कि सर जैसे कि तमाम रोड बनवाए हैं 370 कश्मीर से किसी ने नहीं, 270 4 साल शासन किया कांग्रेस ने, वो हटाया, राम मंदिर का इतना बड़ा लफड़ा था वो हल किया। अरे कितने काम कराए, रोड देखो कितने फर्स्ट क्लास हो रहे हैं। 370 अटकी कश्मीर से जी कश्मीर, और सर और राम मंदिर का जो मसला था वो हल हो गया। और शहर के अंदर की बात करें तो शहर के अंदर भी तमाम काम कराया सर, जैसे कि यूं समझ लो वो जो हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज बनवाया है इस बार, और ये आपका ये क्या कहते हैं उसको है कॉरिडोर, हवाई अड्डा, यूनिवर्सिटी बनाई है, बनवाई है अभी। ठीक है सर, आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम राज कपूर है, टेलर। सॉरी राज कपूर। तो सर आप बताइए 2024 में किसकी गवर्नमेंट? सर मोदी की सरकार। कारण सर ऐसे कोई कुछ आप भी बताइए कुछ फायदे। कारण यही है कि ऐसे फायदे बताइए जो औरों ने ना बताए हो। सर कारण यही है कि चोरी डकैती उठाईगिरी बंद है, बलात्कार बंद है फिलहाल, और बाकी काम सब सही चल। मतलब आपके अनुसार सुरक्षा बढ़ गई है? हाँ सुरक्षा बढ़ी। कोई भी इंसान आम आदमी रात आ जा सकता, जा रहा है कोई, चाहे महिला हो चाहे कोई भी, कोई सब छूट है, कोई परेशानी ना किसी आदमी को किसी के प्रकार की। सर अपना नाम बताइए। मुझे विनोद दिवाकर कहते हैं। सर किसकी गवर्नमेंट चाहते हैं 2024? गवर्नमेंट तो योगी की और मोदी की होनी चाहिए सर। जी सर कारण सर ऐसे के कारण ऐसे हैं कि मैंने ये देखा है, और 60-62 साल की उम्र है मेरी, और मैं ये देखता आ रहा हूँ कि बहुत से लोग जो है इलाज के भाव में जो खत्म हो जाते थे, इलाज नहीं करा पाते थे, पैसा उनके पास था नहीं, और बड़े बड़े ऑपरेशन होते थे, लाखों खर्चा होता था। आज आयुष्मान बनने से इतना हुआ है कि गरीब से गरीब आदमी इलाज करा के जो आज स्वस्थ है, यानी कि पैसे से भी मदद मिल रही है। लेकिन बेरोजगारी और वो सवाल आज भी खड़ा हुआ है। बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं हम, तो मेरे ख्याल में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि शायद पहले इतने बाहर नहीं थे और इतने शौक मौज नहीं थे, आज मैं देख रहा हूँ गरीब से गरीब घर में जो है 3-3, 4-4 एंड्रॉयड मोबाइल मिलेंगे, ये खर्चा बढ़ाए उनका। दूसरा चीज़ यह है कि कम से कम 3-4 वाहन होंगे उनके घर में, पेट्रोल खर्चा बढ़ाए उनका, सारे शौक मौज चल रहे हैं उनके, तो कहाँ रोजगारी और बेरोजगारी है? जब खर्चा जो हम बढ़ा रहे हैं उसको जो रोजगारी में गिनना है, तो ये मेरी समझ से बाहर है। और सर महंगाई की बात करते हैं हम, आज जो गरीबों के लिए देखिए, मेरे ख्याल से कोरोना के टाइम से लेके पहले से लेके आज तक राशन फ्री मिल रहा है, और आज मैं ये देख रहा हूँ कि लोग जो है राशन फ्री लेने के बावजूद भी, और जो और भी आधा सामान मिलता है उसे और बेच देते हैं, वो पैसा और आ रहा है उनके घर में। अच्छा मतलब जो राशन का सामान बिकता है उसे बेच देते हैं? बेच देते हैं और पैसा भी आ रहा है उनके घर में। सामान का सामान, पैसा का पैसा, पैसा। बताइए कहाँ है बेरोजगारी और कहाँ है गरीबों के लिए मदद नहीं है? अच्छा बिल्कुल। अब जो बात करें हम गैस सिलेंडर की, गैस सिलेंडर मेरे ख्याल में करीब करीब
85 लाख के करीब जो है वो बांट चुके फ्री में जी, बिल्कुल बिल्कुल बांट चुके। उसके बाद उन्हें सब्सिडी 400 रुपए है आज। सर आज है 400 रुपए सब्सिडी, लेकिन आज से पहले तो सब्सिडी खत्म कर दी। आज से पहले नहीं थी, चलिए मानता हूँ आज से पहले नहीं थी, चलो बात कर लो। जी मैम बताइए। बता सुना कोई कमेरो ना है और 15,000 हाउस टैक्स दे रहे हैं, बिजली को देना कहाँ देते हैं सरकार? क्षेत्र में तो खवा रही है, बिजली को क्या खवा रही है? वही चीज हो गया ना मैम, 2024 में कटती जा रही है, सरकार कछु ना कर रही है। वही तो चाहते हैं मैम, बताइए। आदमी का मत जाए, हर बीमार वैसे ही रहता है, कोई लड़का ना है कोई बच्चा ना है, कोई कमेरो ना धमेरो ना, हम भी जो कर करके मरे जा रहे हैं और 20,000 का हाउस टैक्स दे रहे हैं, कहाँ देते हैं? किसकी सरकार बननी चाहिए? जो कोई सुविधा करे बाकी सरकार बने। ये कौन फैसला करेगा? को करे हो, हम तो काकू वोट देवे ना जाएंगे। तो फैसला तो आप ही करोगी, जब आप वोट दोगी तभी तो सरकार बदलेगी। बदलेगी जो बदली जाएगी वो तो फिर। तो वही तो पूछना चाह रहे हैं, किसकी चाहोगे? सेत में तो खबर है, सब हड्डन पे तो निकाल रहा है खबर का, सेत में खबर है। तो वही तो जानना चाहते हैं कि क्या फायदे क्या नुकसान। जो चलाई सरकार ने 20-20 रुपया लेता है, अब 20 रुपया लेते हैं गाड़ी में यहाँ थे और बस स्टैंड तक के बताओ, और टेम्पू वाले तो 10 रुपए में पहुंचा देता है। कि जो हाफ टैक्स 800 रुपए का आ रहा था, आज वो 11,000-12,000 रुपए का हाफ टैक्स है। गैस सिलेंडर आ रहा हो भाई, मैं ही आ रहा हूँ, बढ़ रहा है खूब। हमारे तो सिलेंडर 1,000 रुपए सिलेंडर, वही तो बताना है सर। 900-2100 तो लेके आइए। कांग्रेस के टाइम पे फ्री मिलता था मेरे ख्याल में, जो 1100 के करीब था कांग्रेस के टाइम पे भी। तो मोदी की सरकार में हो रहा है तो क्या बुराई है? रेट तो ऐसा, रेट जो बनता है वो अलग तरीके से बनता है, गैस सिलेंडर हो चाहे पेट्रोल हो, ठीक उस चीज को समझ नहीं पाता। आज कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के टाइम पे भी 1100 से ऊपर सिलेंडर बिक चुका है और पेट्रोल भी वही रेट थे। जब इतनी पैसा महंगाई तो पैसा ना हो, जब अब महंगाई है तो पैसा है, अब काम है दोनों, पैसा ना है कछु, काम है दोनों, पैसा कछु ना हो, अब महंगी एक में चीज बहुत तेरी। लोग जो है कमाई करते हैं और शराब उड़ाते हैं, औरतें काम कर करके जो है पेट भर रही हैं। अगर इंसान दारू छोड़ दे तो कुछ नहीं होगा, इंसान दारू छोड़ दे तो सब अपनी परेशानी दूर हो जाएगी। परिवार को संभालिए, दारू छोड़े जब मोदी सरकार को दोष दीजिए, पहले दारू छोड़िए जब मोदी सरकार दोष दीजिए। सरकार गलत नहीं है, सरकार गलत नहीं, परिवार गलत है आपका, सरकार गलत नहीं है। बताइए 2024 में की गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट आनी चाहिए, बीजेपी ने बहुत कुछ किया है, ठीक है। जैसे अभी आप ही के साथ की बात की महिला, वो बता रही है कि महंगाई बढ़ गई है। नहीं महंगाई तो है, देखो स्कूलों की फीस है, कोई गरीब इंसान नहीं पढ़ा सकता है ना, मतलब उसके अकॉर्डिंग फीस बहुत ज्यादा है, गरीब इंसान कहाँ से पढ़े? सरकारी है और हॉस्पिटल के जो हाफ टेस्ट कम से कम आज हाफ टेस्ट दुनिया भर का आ रहा है, सिलेंडर महंगा है, हमारे चैनल के माध्यम स्कूल की फीस महंगी है। अब शराब की बात को लेकर चलो, शराब तो अच्छे पी रहे, गरीबी पी रहे, मजदूर भी पी रहे शराब है, उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? इसमें सरकार की तो कमी नहीं है ना, इसमें सरकार की कमी तो नहीं है, सरकार की कमी नहीं है ना, सरकार से नीचे भी बैठे हैं, सरकार की हमने क्या की, सरकार बीजेपी की चाहिए, हमें सरकार बीजेपी की चाहिए। एक मिनट सुनो, सरकार बीजेपी की चाहिए, लेकिन उसमें कुछ सुविधा तो चाहिए। अभी थोड़ी मकान बन रहे, मकान सबके पास मकान लीजिए, सुविधा लीजिए चाचा, सुविधा लीजिए, सुविधा आप ले नहीं पा रहे हैं। ले रहे लोग, नेता लोग ले रहे हैं सुविधा, अच्छे अच्छे लोग पैसे आप क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं जाते, क्यों भाग दौड़ नहीं करते हो? योगी जी आए, योगी जी आपके यहाँ पे भाग दौड़ करने, योगी जी भाग दौड़ करने आपके यहाँ पे, घर पे आए आप बताइए। तो गरीब आदमी अनपढ़ आदमी चलो यहाँ भाग दौड़ में सुविधा लेंगे, क्यों निकाल देंगे? आप शिकायत करिए, आप शिकायत करिए जी। दादाजी से पूछते हैं, दादाजी अपना नाम बताइए। हां जी, तो किसकी सरकार चाहते हो 2024 में? अरे हम किसकी चाहते हैं, हमें तो जो बजा वही चाहिए, हम काई की ना बुरी बनने। वृद्ध पेंशन मिल रही होगी? ना बनने बिल्कुल भी। तो वही बताओ सर, हमें ना मिल रही कोई पेंशन किसी तरह की नहीं। क्या करते थे पहले? मेहनत मजदूरी है और क्या है। तो अभी किसकी गवर्नमेंट चाहते हो 2024 में? अरे हमें तो जो आ जाए वही सही है साहब, हमें ना कोई बता रहा ना जब जा रहा हूँ। देश के युवाओं से पूछते हैं साहब, बताइए आप अपना नाम बताइए। नितिन चौहान। किसकी गवर्नमेंट चाहते हो 2024 में? बीजेपी। बेरोजगारी बढ़ रही है और बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, फिर भी सर वैसे ही क्या कहता है, वो भी तो बढ़ रही है ना, महंगाई क्यों बढ़ रही? महंगाई तो नहीं बढ़ रही सर, महंगाई नहीं बढ़ रही है, लेकिन आप ही के साथ के आप ही के आस पड़ोस के बोल रहे हैं कि इतनी महंगाई बढ़ रही है, हाउस टैक्स को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, गैस सिलेंडर
सरकारों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, फिर भी आप बताइए। सर महंगाई क्या बढ़ रही है, जैसे भी देखो आपके पास महंगाई बढ़ रही है, जैसे कहा गया था मजदूरी तो बढ़ रही है, पहले 250 रुपये मिलती थी अब 500 रुपये मिल रही है। चले हाँ, मोदी सरकार में कौन सी कौन सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम महिपाल सिंह है जी। आप बताइए सर, 2024 में किसकी गवर्नमेंट, मायावती की सरकार चाहिए यूपी में। सर मैं 2024 में प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि क्योंकि विधानसभा के चुनाव में तो अभी सर बहुत लंबा समय है। अच्छा, सरकारी बात कर रहे हैं राहुल गांधी। क्यों सर, ऐसा क्या कारण है? राहुल गांधी बढ़िया आदमी है, उसने क्या ऐसा क्या किया अभी तक, वो कौन सी प्रधानमंत्री रहे हैं या कौन सा दल उन्होंने ऐसा अच्छे से संभाला? उनका खानदानी काम चला रहा है प्रधानमंत्री का, तो कोई नया काम थोड़ी है। सर मैं वही तो चाहता हूँ, कुछ गिनाइए कुछ ऐसे काम जो जिसे जनता सुने और वो अपना दिमाग लगाएगी, वो फिर से 2024 में बीजेपी ले या राहुल गांधी, कुछ काम तो बताएं सर उनके। जब बाकी सरकारी ना आई तो काम का बताएं। तो सर उससे पहले आपने कहा कि उससे पहले उनका खानदानी काम रहा है, राहुल गांधी नहीं रहे, राजीव गांधी रहे, इंदिरा गांधी रही, तो उनके काम बताइए। गांधी ने तो बहुत अच्छा शासन चलाया, तो मैं वही तो जानना चाहता हूँ सर। क्या जानना चाहती है बताइए सर, उसके कुछ कारण बताइए, कुछ काम बताइए। जैसे लोग मोदी के जी के काम बता रहे हैं, उसी तरीके से आप उनके काम बताइए कि सेंट्रल में 2024 में किसकी गवर्नमेंट, कांग्रेस सरकार चाहिए हमें तो, और कोई सरकार ना चाहिए। काम तो मोदी सरकार कर रही है ना, अगर कांग्रेस करती तो मोदी सरकार यहाँ क्यों बैठती, क्यों बोलती? मोदी सरकार काम कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, ये कहा को पता ही नहीं है। ये बताओ कांग्रेस काम करती तो मोदी सरकार क्यों आती, कोई जनता नहीं चाहती। सर इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे सर, हमने काका को पता ही नहीं है तो बोलता किस बारे में, अगर कांग्रेस करती तो मोदी क्यों बैठता, बोलते क्या बन क्या बेच के बन गया, वो कुछ ही बना, काम तो बढ़िया कर रहा है सर। आप बताएं काम तो बढ़िया कर रहा है ना। आप सर कुछ तो बताएं सर, हमारे लिए बताओ काम गिना, हम गिनाएंगे मोदी के काम, उसने क्या करा हमारे सामने। जी 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 बताइए मैडम, मैडम किसकी गवर्नमेंट देखती हो 2024? कट्टर हिंदूवादी हूँ, बीजेपी ही आनी चाहिए। मैडम मैं धर्म से अलग हटके बात कर रहा हूँ, काम के अनुसार। धर्म में तो अधिकतर यहाँ जो भी खड़े हैं सब हिंदू ही हैं। हटा दो या काम को अलग हटा दो, लेकिन आनी बीजेपी ही चाहिए। मैडम कुछ काम गिनाइए ऐसे। अब काम गिनाने के लिए उन्होंने तो बहुत कुछ करा और गिनती मुझे याद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं मैम, आप बताइए। मैं नो कह रही, जब महंगाई जब पैसा बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ रही है, पैसा के हिसाब से महंगाई चल रही है, अमीर से दिया 500 तो नीचे ना आ रहा, समझ गए? तो हाँ, तो ये कह रहे हैं मोदी सरकार होनी चाहिए, खूब अच्छा कर रहे हैं वो, जो कोई बुराई दे रहा बुराई देते तो हम तो नहीं दे रहे बुराई। मतलब आप भी अभी ही समर्थ कर तो देख रहे हैं आप जनता की आवाज, जनता चाहती है फिर से भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब 2024 के चुनाव के बाद ही मिल पाएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी या विपक्ष। ये बने रहे हमारे साथ, मैं दीपक दुबे कैमरामैन पंकज के साथ, HBN न्यूज़ अलीगढ़।